This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। मनोज जरांगी ने अपना अनशन स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को 13 अगस्त तक का समय दिया है। कांग्रेस को 4 घंटे का समय लोकसभा में बजट पर बोलने के लिए मिला है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पिछले 10 सालों में हर बजट में महाराष्ट्र को निराशा मिली है। दिल्ली और उससे जुड़े कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव हो गया है। गाजियाबाद, नोएडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई है। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ से हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस 24 जुलाई से पदयात्रा करेगी। ब्रिटेन विदेश सचिव डेविड लेमी बुधवार से 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अराजकता को लेकर राजधानी दिल्ली में आज 24 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को 7 किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर की स्पेशल टीम उनकी निगरानी में लगी थी और इलाज कर रही थी। सोमवार से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। गंगा जल भरने के लिए श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िए भी कहा जाता है, निकल पड़े हैं। लोकसभा बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटा रखा गया है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पर लंबी चरी बहस के बाद अपना जवाब देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करेंगे। सीएम मंडलीय समीक्षा बैठक की करेंगे। दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर हाईकोर्ट की एक नई पीठ सुनवाई करेगी। आईएएस पूजा खेड़कर लापता है। वो कहा है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। पूजा को मसूरी के यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। मायूती गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही है। ऐसे बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि महाराष्ट्र में अगली सरकार मायूती बनाएगी। मोदी सरकार के बजट में महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया है। आरोपों के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने आशा स्वयंसेवकों के लिए दुर्घटना बीमा, दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण और चरवाओं के लिए राजा यशवंतराव होलकर महामेश योजना को मंजूरी दी है। भारतीय शेयर बाजार पर बजट का असर आज भी हावी है और कल की गिरावट जारी रखते हुए सेंसेक्स निफ्टी में कमजोरी दिख रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।